शर्मनाक खबर उत्तराखंड से। यहां के एक सीनियर आईएएस अधिकारी पर बलात्कार का संगीन आरोप लगा है। उत्तराखंड की रहने वाली एक लड़की ने दिल्ली के पांडव नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। लड़की का आरोप है कि वो आईएएस ऑफिसर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 3 साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। पीड़ित का दावा है कि आईएएस अधिकारी एक सीडी बनाकर उसे ब्लैकमेल किया करता था। पीड़ित लड़की के मुताबिक उसे कई बार जान से मारने की धमकी दी गई। इसी तरह से वो जान बचाकर दिल्ली पहुंची और केस दर्ज कराया। दिल्ली पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर ली है और अब ये केस देहरादून ट्रांसफर किया जाएगा। जनवरी फरवरी से इस साल से ही शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है। विरोध करने पर धमकियां मिलने लगी जान से मारने की। मुझे कहा जाने लगा कि जिस भी मुंह खोलेगी पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ जाएगी और ये किससे बताएगी, मेरी शिकायत किससे करेगी। किसी को भी बोल के सारी उम्र जेल में सड़वा दूंगा, यही रहे। मैंने जब भी इस चीज का विरोध किया है, लेकिन अभी बीते रविवार उन्होंने मेरे अपहरण का पूरा प्रयास किया था। उन्होंने मुझे लॉबी में बुलाया और जब मैं उनसे बात करने के लिए गई शांत तौर पर, तो उन्होंने मेरे अपहरण के लिए, आप सोच नहीं सकते हैं कि जितनी पुलिस फोर्स और जितने अब लोग वहां पर मौजूद थे और मैं जिस तरह से वहां से सुरक्षित निकली हूँ। और इस मामले में पीड़ित के वकील का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। उनका शारीरिक शोषण करते रहे, उनको नौकरी का झांसा दे करके लगातार उनका शारीरिक शोषण होता रहा। और इसके बाद पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसकी एक सीडी बनाई गई, सीडी बना करके उसको दिखा करके उसको ब्लैकमेल करा गया कि अगर तू शारीरिक संबंध कंटिन्यू नहीं करेगी तो इस सीडी को जो है इसको इंटरनेट पे अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसे आरोप लगाए गए हैं और जिससे उसके बाद उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई और पीड़िता ने फिर जैसे तैसे अपनी जान बचा करके वो दिल्ली आई। दिल्ली आकर के हमने पांडव नगर थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई है, जो पांडव नगर थाना में 376-506 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, 0 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इसी मामले में कुछ और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा। उत्तराखंड के आईएएस ऑफिसर पे लगा है रेप का आरोप। मैं मौजूद हूँ पांडव नगर थाने पे, जहाँ पर देहरादून की रहने वाली 26 साल की एक महिला ने आईएएस ऑफिसर पे 3 साल से शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ एक सीडी भी बनाई गई है जिसपे उसको ब्लैकमेल करने का जो है वो आरोप जो है उस महिला ने लगाया है। और लगातार लड़की का आरोप है कि वो बार बार उसे जान से मारने की धमकी भी देते रहे। लड़की ने देहरादून में कई बार एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन बार बार उत्तराखंड सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से टालमटोल जो है वो होती रही। उसके बाद लड़की जो है यहाँ पर पांडव नगर थाने में 0 एफआईआर जो है वो दर्ज करवा लिया है। मामला पुलिस ने 376 और 506 के तहत मामला जो है वो दर्ज किया है। फिलहाल तफ्तीश जारी है। कैमरा पर्सन कुलवंत के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक।